राजधानी में करबिघैया से आर ब्लॉक जाने वाले पुल पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करने और पूर्व सांसद आनंद मोहन की सजा पूरी होने पर उन्हें जेल से रिहा करने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्षत्रिय समाज से वादा किया था, लेकिन वह अपने वादे से वादा खिलाफी करते नजर आ रहे हैं। इसके खिलाफ क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवत सिंह राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि क्षत्रिय संगठन के नेता आगामी 25 सितंबर को गांधी मैदान स्थित गांधी जी की मूर्ति के पास से काली पट्टी बांधकर मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करेंगे। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं ये। राजधानी के मुख्य चौराहे पर महामानव महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करेंगे। दूसरी मांग जो उन्होंने घोषणा की थी कि हमारे पुराने साथी पूर्व सांसद आनंद मोहन जी की जेल से रिहाई के लिए भरसक प्रयास करेंगे। इन दोनों मांगों का 8 महीना हो चुका है। इन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर भी 9 अगस्त से 24 अगस्त तक मैं बैठा हुआ था। सरकार के किसी भी कर्मचारी या कोई भी चिकित्सक आने का कष्ट नहीं उठाए और अभी विभिन्न संस्थाओं के साथियों के साथ एक बैठक करके हम सभी ने एक निर्णय लिया था कि 20 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष हम लोग एक सामूहिक आत्मदाह करेंगे। 20 सितंबर को ही सुबह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर पटना एसपी के नेतृत्व में सुबह 7:52 पर हमें अपने घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था और हम सबों ने निर्णय लिया है कि इन मांगों को लेकर सरकार की अहंकारी नीति को लेकर 25 सितंबर को गांधी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा के पास से मुख्यमंत्री आवास के लिए हम लोग मार्च करेंगे।